नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने पौधशाला का किया निरीक्षण, 5,00,000 पौधे लगाने का वन विभाग को दिया लक्ष्य। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर जीप अध्यक्ष ने कृषि विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप, किसान हो रहे परेशान। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने चांधन डैम का किया निरीक्षण, कहा जल्द शुरू होगा डैम से गाद निकालने का कार्य। डीआईजी कार्यालय में स्कूली बच्चों ने धूमधाम से मनाया डीआईजी विकास वैभव का जन्मदिन, साथ मिलकर काटा केक। और जेएनयू में छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में भागलपुर में प्रतिवाद सभा का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को सफल बनाने के लिए भागलपुर वन विभाग तैयारी में जुट गया है। वन विभाग के द्वारा मायागंज स्थित 4,00,000 पौधों की क्षमता वाला पौधशाला का निरीक्षण करने गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार पहुंचे। डीएम ने घूम घूमकर पौधशाला का निरीक्षण किया और चल रही तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वर्ष 2020 में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत भागलपुर में एक दिन में 5,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उसको सफल बनाने के लिए जिले में कई जगहों पर पौधशाला का निर्माण किया गया है, साथ ही पौधे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले बार फिर सुखाड़ की मार झेलने के बाद अब किसानों के सामने खाद की समस्या खड़ी हो गई है। कम कीमत में खाद उपलब्ध कराने का वादा सरकार का हवा हवाई साबित हो रहा है, जिसको लेकर किसानों में निराशा और आक्रोश दिखाई दे रहा है। सरकारी दामों पर खाद नहीं मिलने और दुकानदारों द्वारा मनमाने ढंग से खाद बिक्री को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह ने कई प्रखंडों का भ्रमण किया। सभी जगहों पर जिला परिषद अध्यक्ष को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सभी छोटे बड़े दुकानदारों द्वारा मनमाने ढंग से पैसा वसूल कर खाद बिक्री करने का मामला सामने आया। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने समस्या को देखते हुए किसानों को मदद का भरोसा दिलाया। यूरिया खाद, पहले बात तो देखिए, बाढ़ हमारे यहाँ आ गई, बाढ़ की व्यवस्था को झेले, फिर सुखाड़ आ गई, और अभी जब खाद की बारी है कि लोग किसान खाद दे रहे हैं खेत में, तो खाद जो है सरकारी दर है 266.50 रुपये यूरिया का, और पूरे भागलपुर जिला में 18 स्टॉकिस्ट हैं और 498 खुदरा दुकानदार हैं, और भागलपुर जिला में 16 प्रखंड हैं, 16 प्रखंड के अंतर्गत 498 खुदरा दुकानदार हैं, और सभी जगह मैं पूर्णतः दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 16 प्रखंडों में 31 जिला परिषद सदस्य हैं, और सब लोग, चूँकि हम लोग गांव से आते हैं, सुबह सुबह जब डेली उठते हैं तो खाद वाले आते हैं, किसान आते हैं कि भाई ये देखिए दाम ज़्यादा ले रहा है, कहीं 300 रुपया, कहीं 320 रुपया, कहीं 340 रुपया, कहीं 350 रुपया, और हद तो तब पार कर गई जब हमारा, चूँकि हम शाहकुंड से जीत के आए हैं और शाहकुंड में कृषि पदाधिकारी द्वारा वहाँ जो है कृषि मेला का क्या कहते हैं उसको आयोजन किया गया था कि कृषि को वैज्ञानिक, कृषि को किसी तरह वैज्ञानिक करके किसी तरह खेती करना है, उसके लिए मेला लगाया गया था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, और वहाँ हजारों किसान प्रखंड कार्यालय में जुटे थे और कृषि पदाधिकारी मौजूद थे, वैज्ञानिक थे, BDO साहब थे, प्रमुख साहिबा थे, और समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं किसान के पैस के अध्यक्ष भी थे, और सारे किसान थे, और किसानों के सामने उन्होंने माइक पर बोला कि 400 रुपया बोरा में खाद बिक रहा है, और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की। और जिला कृषि पदाधिकारी को जब मैंने पूछा कि भाई कि आप बताइए, वहाँ 1,000 आदमी किसान जुटे हुए थे, और उसने एक स्वर में कहा कि 400 रुपया में खाद बिक रहा है, अब क्या करें, तो उन्होंने कहा हमको लिखित शिकायत नहीं मिली। बताइए आप, ये बताइए कि कितनी बड़ी विडम्बना है। मैं आपको उसका वीडियो फुटेज भी दूंगा उस दिन का, जो आप लाइव में देखेंगे, और उस दिन आप पेपर मीडिया के लोग भी थे और पेपर में भी खबर आया था, और मैं आपको वीडियो भी दूंगा कि उस आदमी ने, उस जनता ने, उस किसानों ने उन दुकानदार का नाम लेकर के बोला, लेकिन उसके बाद भी
यहाँ कृषि पदाधिकारी को कान पे जू तक नहीं दिया। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बुधवार को बौसी स्थित चांदन डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस और खनन विभाग की सचिव हरजीत कौर सहित अभियंताओं ने डैम का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि चांदन डैम से गाद निकालने का काम जल्द ही शुरू होगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मंत्री ने कहा कि गाद निकालने के बाद डिसिल्टेशन का भी कार्य आरंभ किया जाएगा, जिससे बांका और भागलपुर जिले के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि डैम में गाद जमा होने के कारण थोड़ी सी बारिश में डैम भर जाता है और पानी बाहर निकलने लगता है। इस दौरान बांका डीएम कुंदन कुमार ने मंत्री को सिल्टेशन की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दी। मौके पर एसपी अरविंद गुप्ता सहित संबंधित विभाग के इंजीनियर मौजूद थे। बिहार में चर्चित तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का गुरुवार को धूमधाम से स्कूली बच्चों ने जन्मदिन मनाया। सुबह से ही रेंज डीआईजी विकास वैभव के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। शहर के कई विद्यालयों के बच्चे अपने शिक्षक के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंचे और केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। दरअसल पटना में एसपी रहते विकास वैभव ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर सुर्खियों में आए थे। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के साथ विकास वैभव खोजी इतिहासकार और पर्यावरणविद भी है। जेएनयू में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को भागलपुर स्टेशन चौक पर प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिवाद सभा में शामिल लोगों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रतिवाद सभा का नेतृत्व कर रहे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय का बाजारीकरण कर रही है। फीस वृद्धि के कारण गरीब छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर मोहम्मद नदीम, उदय राहुल सहित कई लोग मौजूद थे। जेएनयू में जो शिक्षा है वह शिक्षा मुफ्त में चल रही है, कम से कम पैसे में चल रही है, और सरकार 50 गुना ज्यादा उस पर लाद करके शिक्षा को मांगी है। दूसरी बात यह है, जेएनयू भारत सरकार के अनुसार सर्वोत्तम विश्वविद्यालय, सर्वोत्तम से बड़ा विश्वविद्यालय नहीं, और सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा कैम्बानिया के लिए है, अंबानी के लिए है, अडानी के लिए है। अगर उसके लिए पैसा है और छात्रों के लिए पैसा नहीं है तो आप चलाते क्या, लोकतंत्र में हो क्या रहा। और इसलिए हम सारे साथ में छात्रों के साथ हैं, सरकार की परिवर्तन के खिलाफ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मॉफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
जगदीशपुर पुलिस ने गुरुवार को पुरैनी के खाजा नगर इलाके में छापेमारी कर बलात्कार के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि आरोपी इजहार उर्फ दीपू पिछले 8 मार्च से फरार चल रहा था। गुरुवार को आरोपी भोज खाने अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 8 माह पूर्व गाँव में ही आरोपी इजहार ने लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र गोलाहू गांव में बुधवार की देर रात गांव के ही फंटुस यादव ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी फंटुस यादव ने मारपीट भी की। गुरुवार को पीड़ित महिला अपना इलाज कराने मायागंज अस्पताल पहुंची। महिला ने बताया कि उसका पति नंद किशोर मंडल बाहर में मजदूरी करता है। बुधवार की रात जब वह घर में सोई थी, उसी दौरान गाँव के रामदेव यादव का पुत्र फंटुस यादव जबरदस्ती घर में घुसकर दुष्कर्म करने लगा, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने पिटाई कर दी। वहीं महिला ने घटना की सूचना स्थानीय थाने को नहीं दी है। यहाँ पे तो 12 बजे रात को मारा लाठी, बलात्कार किया, बलात्कार करने नहीं दिया तो लाठी मारा है। बांका अमरपुर के महमदपुर गांव में खाना बनाने के दौरान फूस से बने मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल बुधवार की रात वृद्ध महिला चंद्रकला देवी घर में खाना बना रही थी, उसी दौरान चूल्हे से निकले चिंगारी से आग लग गई। पीड़ित महिला ने बताया कि घर में रखा 25,000 रुपया नगद और 1,00,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सनहौला के सिलहन खजूरिया पंचायत स्थित कुशाहापुर गांव में गुरुवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मध्य विद्यालय परिसर में हुआ। इस दौरान किसान चौपाल में आए किसानों को रबी फसल की बुआई से संबंधित जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को जीरो टिलेज विधि से रबी फसल की बुआई करने की बात कही, जिससे किसानों की लागत कम लगे और अधिक फसल का उत्पादन हो। साथ ही जैविक खाद का प्रयोग करने की बात किसानों को कही। किसान चौपाल में तकनीकी प्रबंधक राघवेंद्र सिंह पिंटू, कृषि समन्वयक सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल, श्रीकांत सिंह, प्रकाश कुमार शर्मा, टुनटुन पासवान, मोहम्मद फखरुद्दीन आलम सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे। नाथनगर प्रखंड के मिर्जापुर गांव में गुरुवार को राजद से निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद शमीम एवं योग माया साहनी ने संयुक्त रूप से की। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत बनाने एवं राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव में प्रखंड अध्यक्ष, सचिव सहित जिला प्रतिनिधियों के चुनाव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान प्रखंड अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने राजेश रंजन उर्फ छत्रधारी मंडल को अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया, जिसका कई राजद नेताओं ने समर्थन किया। साथ ही प्रखंड डेलीगेट का भी चुनाव संपन्न हो गया। मौके पर रिंकू राज, राजेश यादव, प्रमोद यादव, अभय कुमार मंडल, पवन कुमार यादव, संजय कुमार सहित कई राजद नेता मौजूद थे। भागलपुर जिला प्रशासन की मेजबानी में सैंडिस कंपाउंड में चल रहे अंडर 17 स्टेट लेवल क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन गुरुवार को बेगूसराय, बेतिया, रोहतास, मोतिहारी, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर एवं जहानाबाद के बीच मैच हुआ, जिसमें बेतिया ने बेगूसराय को 29 रनों से एवं रोहतास ने मोतिहारी को 2 विकेट से पराजित कर दिया। क्रिकेट टूर्नामेंट सैंडिस के भीतरी एवं बाहरी मैदान में चल रही है। पूरा टूर्नामेंट खेल पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव की देखरेख में चल रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुबीर मुखर्जी ने बताया कि 25 नवंबर से सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि 28 नवंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा। इस मौके पर गुंजन कुमार, ज्ञान प्रकाश सिन्हा, मोहम्मद नसर आलम, नीरज कुमार, प्रवीण झा सहित आयोजन से जुड़े कई लोग मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने पौधशाला का किया निरीक्षण। 5,00,000 पौधे लगाने का वन विभाग को दिया लक्ष्य। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर जीप अध्यक्ष ने कृषि विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप, किसान हो रहे परेशान। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने चांदन डैम का किया निरीक्षण, कहा जल्द शुरू होगा डैम से गाद निकालने का कार्य। डीआईजी कार्यालय में स्कूली बच्चों ने धूमधाम से मनाया डीआईजी विकास वैभव का जन्मदिन, साथ मिलकर काटा केक। और जेएनयू में छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में भागलपुर में प्रतिवाद सभा का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।